वर्ल्ड कप में फंस गई टीम इंडिया। हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे 5 मैच। कैसे टीम तैयार करेगा भारत। वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया की पोजीशन इस समय बहुत अच्छी है। भारत इकलौती ऐसी टीम है जिसने एक भी कोई मुकाबला अब तक इस वर्ल्ड कप में नहीं हारा है और टीम इंडिया लगभग सेमीफाइनल में भी पहुंच गई है। लेकिन इस वर्ल्ड कप के बीचों बीच टीम इंडिया को एक गंभीर झटका लगा है, ऐसा झटका जो टीम इंडिया को आगे चलकर भारी पड़ सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ चोटिल हो गए थे। वो गेंदबाजी करते समय चोटिल हुए थे और इसके बाद वो मैदान से बाहर चले गए, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनका स्कैन हुआ और पता चला कि हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे। लेकिन हर किसी को उम्मीद थी कि हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में लौट जाएंगे, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ भी मुकाबला नहीं खेलेंगे। और खबर इतनी गंभीर है कि हार्दिक पांड्या आपको आने वाले कुछ और मुकाबलों में नहीं दिखाई दे सकते हैं। तो पूरा मामला क्या है, चलिए आगे आपको इस वीडियो में बताते हैं। हार्दिक पांड्या की चोट गंभीर, इतने दिन चाहिए आराम। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या को पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ चोट लगी थी, उनका टखना मुड़ गया था। ऐसे में अब हार्दिक पांड्या आगे वाले मुकाबलों में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, इस पर क्या खबर आ रही है ये आपको बताते हैं। दरअसल टीम इंडिया को 29 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला खेलना है और इंग्लैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या मैदान पर नहीं उतर पाएंगे। इसके बाद 2 नवंबर को श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी, जहां पर भी हार्दिक पांड्या नहीं खेल पाएंगे। 5 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हार्दिक पांड्या मुश्किल ही खेल सकते हैं और उसके बाद 12 नवंबर को नीदरलैंड के खिलाफ तो हार्दिक पांड्या को आराम वैसे ही दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये 4 मुकाबले ऐसे हैं जो टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या नहीं खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में टीम इंडिया जो 5 मुकाबले जीत गई है और बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, उस समय पर अगर हार्दिक पांड्या मुकाबले मिस भी कर देते हैं तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में अब आगे अपना जो 5वां मुकाबला खेलेगी उसमें हार्दिक पांड्या का खेलना जरूरी है। सेमीफाइनल में हार्दिक पांड्या के खेलने पर संकट। जी हाँ दोस्तों, जो 4 मुकाबलों की हम बात कर रहे हैं वो लीग स्टेज का मुकाबला है। टीम इंडिया 5 मुकाबले जीत गई है और आने वाले मुकाबलों में भी टीम इंडिया जीत हासिल करने की बड़ी दावेदार है और उसमें अगर हार्दिक पांड्या नहीं भी खेलते हैं तो टीम इंडिया किसी तरीके से मैनेज कर लेगी। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या सेमीफाइनल में नहीं खेलेंगे तो टीम इंडिया फंस जाएगी, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला टीम इंडिया के लिए बड़ा है। सेमीफाइनल मुकाबला एक बड़ा मुकाबला होता है और उसमें हार्दिक पांड्या के साथ टीम इंडिया अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ मैदान पर उतरना चाहेगी। और अगर उस मुकाबले में हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के साथ नहीं होते हैं तो परेशानी आ जाएगी। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या की बात करें और उनकी चोट की बात करें तो हो सकता है कि सेमीफाइनल में आपको खेलते हुए दिखाई दे, क्योंकि हार्दिक पांड्या को चोट लगे वक्त हुआ। हार्दिक पांड्या को 19 अक्टूबर को चोट लगी थी, जिसके बाद वो 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला नहीं खेले थे और तकरीबन वो 20 दिन आपको आराम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इन 20 दिन में वो ठीक हो जाएंगे। बता दें कि हार्दिक पांड्या लखनऊ में टीम इंडिया के साथ नहीं है, वो इस समय NCA में है और रिहैब कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या की चोट पर क्या अपडेट आती है, जैसे ही इस पर कोई जानकारी आती है तो क्रिकेट सूत्र पर आपको बताया जाएगा। टीम इंडिया कैसे करेगी अपनी प्लेइंग 11 तैयार। अब सवाल यह है कि टीम इंडिया आने वाले मुकाबलों में अपनी प्लेइंग 11 कैसे तैयार करेगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या टीम का अहम हिस्सा है। हार्दिक पांड्या खेलते हैं तो भारतीय टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही मजबूत आ जाती है और हार्दिक पांड्या अगर नहीं खेलेंगे तो टीम इंडिया प्लेइंग 11 तैयार करने में फंस जाएगी। ऐसे में टीम इंडिया के पास इस समय विकल्प है सूर्य कुमार यादव, जो कि मिडिल ऑर्डर में आकर खेल सकते हैं। सूर्य कुमार यादव को न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका मिला था, वहां पर उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया था और रनआउट हो गए थे। ऐसे में सूर्य कुमार यादव को ज्यादा दोष देना सही नहीं होगा, सूर्य कुमार यादव को एक और मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा मोहम्मद शमी ने जो कमाल की गेंदबाजी की है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि मोहम्मद शमी टीम इंडिया के सबसे बड़े गेंदबाज हैं और उन्हें बाहर बिठाना ठीक नहीं है। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेकर न्यूजीलैंड के खिलाफ हर किसी का मुंह बंद करा दिया। मोहम्मद शमी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए आने वाले मैचों में एक बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में मोहम्मद शमी को लेकर टीम इंडिया संतुष्ट होना चाहेगी और उन्हें टीम में रखा ही जाना चाहिए। तो दोस्तों ये प्लेइंग 11 अगर टीम इंडिया तैयार करती है जिसमें सूर्य कुमार यादव और मोहम्मद शमी दोनों को जगह मिले तो शायद ही हार्दिक पांड्या की इतनी कमी महसूस होगी। लेकिन अगर इसके अलावा टीम इंडिया कहीं और गेंदबाजी में थोड़ा बहुत एडजस्ट करेगी तो फंस सकती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या गेंदबाज के तौर पर भी टीम इंडिया को बड़ी ताकत दे रहे थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या के ना होने से टीम इंडिया को बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। आपको लगता है नहीं सूर्या और शमी मिलकर टीम को संभाल लेंगे, हार्दिक जब फिट हो तभी टीम में लौटे, तो भी अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।